नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अनचाहे बालों को हमेशा के लिए हटाया जाए। तो दोस्तों, ये नुस्खा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके हेयर को सिर्फ हटाता ही नहीं बल्कि परमानेंट हटाता है। यानी कि हम एक बार इसका इस्तेमाल करेंगे तो फर्क अपने आप आपको देखने को मिलेगा, और एक बार बालों को हटाने के बाद बाल दोबारा नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके लिए मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं जो हमारे YouTube और इंटरनेट पर लिखी जाती हैं कि आप अपने बालों को एक दिन में ही परमानेंट हटा देंगे, जबकि वास्तविक में ऐसा नहीं होता। ये धीरे धीरे होगा। आपको हमारे बताए हुए नुस्खे को काफी समय तक इस्तेमाल करना होगा, तब जा करके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो दोस्तों, आइए हम बताते हैं कि ये नुस्खा कैसे बनाना है। दोस्तों, इस नुस्खे के दो भाग हैं। एक तो आप अपने बालों को कैसे हटाएंगे, और दूसरा एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जिसे बनाकर आप दोबारा उन बालों को आने से रोक सकते हैं या तो फिर कम कर सकते हैं। आपको इस पैक को बनाने के लिए कोई ज्यादा चीज की जरूरत भी नहीं लगेगी। आपको इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए कच्चा दूध, जेलेटिन पाउडर और लेमन। आधा नींबू हमारे लिए जरूरी है। हमारे को एक बाउल लेना होगा और मैं इसमें 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर डालूंगा। ये आपको किसी भी दुकान पर बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। दोस्तों, 2 चम्मच जेलेटिन पाउडर डालने के बाद इसमें 2 से 3 चम्मच कच्चा दूध डालते हैं और फिर इसको मिला लेंगे इसके बाद आधी नींबू को लेकर इस पेस्ट में निचोड़ देना है और फिर इसे अच्छी तरह से मिश्रण कर लेना है। दोस्तों, याद रहे कि हमें कच्चा दूध ही लेना है और इसे अच्छे से मिला करके एक पेस्ट तैयार करना है। दोस्तों, इसमें नींबू का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि जेलेटिन पाउडर की गंध बहुत ज्यादा आती है। दोस्तों, जब ये पेस्ट हम बनाते हैं तो कोई मेटल की कटोरी ना लें, सिर्फ ग्लास की ही कटोरी यूज करें। दोस्तों, जब हम ये पेस्ट बनाते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा टाइट हो जाता है। इसे हम गर्म पानी से गर्म करेंगे। जब ये पिघल जाए तो ये पेस्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएगा। दोस्तों, जब तक ये पेस्ट गर्म होता है तब तक हमें इसका दूसरा भाग तैयार करना है। इसके लिए हमें चाहिए मुलेठी पाउडर, पीसी हुई हल्दी और आधा कटा नींबू। दोस्तों, अब इस मिश्रण को तैयार करने के लिए एक कांच का बर्तन लीजिए। इसमें 1 चम्मच मुलेठी डालें, 1/4 चम्मच हिस्सा हल्दी डालिए और आधा कटा हुआ नींबू डाल करके इस मिश्रण को तैयार कर लीजिए, और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिला करके तैयार कर लेंगे ताकि इसे अच्छे से लगाया जा सके। दोस्तों, जो हमने इसमें मुलेठी पाउडर डाला हुआ है वो हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, जिसके कारण हमारे बाल दोबारा नहीं आते। तो दोस्तों, इस तरह से हमने दोनों पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो दोस्तों, पहले भाग को ब्रश की मदद से अपने हाथों पर लगाइए जहां से आपको अपने बाल हटाने हैं। दोस्तों, जब ये पेस्ट हम पूरे अपने हाथों पे लगा दें तो 10 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें ताकि ये थोड़ा टाइट हो जाए और अच्छे से रिमूव हो पाए। तो दोस्तों, आप खुद देखेंगे कि ये जो हमारे हाथों के बाल है ये रिमूव हो जाएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि जब बाल रिमूव हो जाएंगे तो हमें इस पे दूसरा पेस्ट कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों, इसके अंदर जो हमने जेलेटिन यूज किया है वो हमारे हाथों को वाइट बनाता है और अनचाहे बालों को हटाता है। इसमें दूसरा नंबर हमने दूध का इस्तेमाल किया है। दोस्तों, दूध हमारे लिए बहुत ही गुणकारी होता है। ये हमारी त्वचा के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये हमारी त्वचा के डेड सेल्स को खत्म करता है, उसे ग्लोइंग बनाता है और इसके अंदर एक नई चमक लेकर आता है। और दोस्तों, इसके अंदर हमने यूज किया है नींबू, जो कि जेलेटिन के बदबू को दूर करता है। तो दोस्तों, ये पैक जब पूरा सूख जाए तो इसे पील पैक की तरह उतार लेंगे। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखें कि इसको उतारने का तरीका है जिस दिशा में आपके बाल हैं उसके ठीक विपरीत दिशा में उतारना है, तभी जाकर ये अच्छे से असर करेगा। अगर दोस्तों आप अपने फेस पर इसे यूज करते हैं तो ध्यान रखें, वहां पर भी इसे उल्टी ही दिशा में उतारना है। दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा पेस्ट है उसको हमारे हटाए हुए बालों की जड़ों पे लगाना है। दोस्तों, मुलेठी और जो हल्दी का पेस्ट है वो हमारे बालों की जड़ों को
कमजोर करता है और उन्हें आने से रोकता है। ऐसा एक बार में नहीं होगा दोस्तों, ये नुस्खा आपको कई बार इस्तेमाल करना होगा। अब इस पेस्ट को हाथों पे लगाइए और थोड़ी देर सूखने दीजिए। जब ये अच्छी तरह से सूख जाए तो अपने हाथों को पानी से धो लेना है। और इसके बाद दोस्तों मैं बताता हूँ आपको, आप फ्रिज का ठंडा पानी लीजिए। और अगर दोस्तों अब इस ठंडे पानी से आपको अपने हाथों को धोना है ताकि हमारे रोम छिद्रों में ठंडा पानी आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों आप इस पर बर्फ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे उत्तम माना जाएगा। अगर आप बर्फ रगड़ते हैं तब भी आपके बाल खत्म हो जाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारे अनचाहे बालों का नुस्खा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये नुस्खा यहीं पर समाप्त होता है। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।